मरने वाला है, बहुत ही खराब हालत है। गुलू, ओ गुलू जी, गुलू जी उठिएगा नहीं। गुड मॉर्निंग, आइए उठिए, आइए आइए। उठिए आइए, मम्मी आपका इंतजार कर रही हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है और सब लोग उठ चुके हैं, और बेड को मेरे हस्बैंड ने बहुत अच्छे से क्लीन कर दिया है, बहुत अच्छा से रख दिया है। तो इनको मेरी तरफ से बहुत बहुत थैंक यू। तो जल्दी जल्दी काम सारे ख़त्म करते हैं, और आज जाना है गोलू को स्कूल छोड़ने, और उसके बाद वहाँ से कहीं और जाना है। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए और देखिए आज मैं कहाँ कहाँ जाती हूँ और क्या क्या करती हूँ। तो चलिए चलते हैं जल्दी से रेडी होके। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल चुके हैं जाने के लिए और गोलू स्कूल जा चुका है। थोड़ी बारिश हुई थी सुबह में, तो हमें निकलने में थोड़ा लेट हो गया, वरना हम अभी तक निकल चुके होते। तो चलिए चलते हैं। और इधर है मेरे हस्बैंड, हाय बोलिए। हाय। तो चलिए चलते हैं। कितना दूर चलना है? ये रास्ता बहुत ख़राब है, यहाँ पे चलने में बहुत परेशानी हो रही है, फिसलन भी है। तो देखिए हम लोग पहुँच चुके हैं यहाँ पर, और तो दिखाती हूँ मैं हम कहाँ आए हैं। ये देखिए, ये कुछ देख रहे हैं, कैसा है? मरने वाला है, बहुत खराब हालत है, बहुत खराब हालत है। बारिश हो जाए एक दो दिन में तो शायद कुछ ठीक हो सकता है। दो तीन दिन में अगर बारिश हो जाए तो ठीक रहेगा। आज भी आ जाएगा, वरना ये सब तो गया हमारा बीज। हाँ, इसमें हमने काफ़ी पैसा लगाया है। एक पैकेट का मतलब एक किलो का लगभग कितना पैकेट डाला गया? पाँच पैकेट मतलब 1500 1800 1850 का हमारा यहाँ पे जाएगा। तो आगे वाला देखते हैं कैसा है। तो ये सब खेत हमारे हैं जिसमें हम लोग लगाने वाले हैं धान। तो अभी जब तक पौधा उग जाए तो ठीक रहेगा, वरना पौधा अगर नहीं आया धान का तो हमें फिर से वही करना होगा जो हमने पहले किया था। तो आगे वाला जाके देखते हैं कैसा है। तो ये कैसा है? अच्छा है, लेकिन पानी की ज़रूरत है। मतलब इसमें भी फिलहाल इतना है। वो है सब्जी का सेड हमारा, वो है सब्जी का सेड, और उधर पहाड़ है। बादल दिख रहा है पर बारिश नहीं हो रही है। बारिश हो जाए ज़बरदस्त तभी तो अच्छा होगा, वरना तो कोई हमें नहीं बचा सकता है। तो चलें चलें क्या
जो रुकना है यहाँ पे चलेंगे। बारिश आएगा ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं घर की तरफ। इधर देखिए बारिश है ना। तो फ्रेंड्स बारिश लगता है अभी आने वाली है, बादल गरज रहे हैं। आप लोग दुआ कीजिए कि बारिश अच्छी हो जाए ताकि हमारी धान की फसल बच सके, वरना हमने जितना खर्चा किया था फिर से हमें वही खर्चा करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सबकी हेल्प की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा हमारे लिए, अच्छे अच्छे कमेंट, इसमें चलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। चलो।